षड्यंत्री मंत्री बहुत ज्यादा उछल रहा है, आज तो इस पार या उस पार देख लूंगा। क्या बात है गोपाल भाई, अचानक आज मुझे ऐसी जगह बुला लिया। हाँ, अरे बात सुनो, इसमें 10 सोने के सिक्के हैं, मैं तुम्हें यही देने बहुत दूर से आया हूँ। मुझे दोगे? अरे फिर दे दो ना, दो ना। इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वो काम क्या है बोलो ना। अरे बाप रे, राजा को पता चला तो सूली चढ़ना पड़ेगा। किसी को पता नहीं चलेगा, चलेगा तो भी मैं हूँ ना। तुम्हें सिक्के नहीं चाहिए क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ, किसी और को ये काम सौंप दूंगा। तुम्हारे जैसा नासमझ मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना सा काम नहीं कर पाऊंगा, दो दो सिक्के देते जाओ। जानते हो गोपाल, राज्यसभा में आते वक्त रास्ते में एक जगह ईंट से मैं टकरा गया, मेरे पैर में काफी चोट आ गई है। किसकी शक्ल देखकर आज उठा था पता नहीं। मंत्री जी, आपके बिस्तर के पास पैरों की ओर जो आईना लगा है ना, उसे आप हटा दीजिए, वरना ऐसी बहुत सारी ठोकरें लगेंगी आपको। आप मेरी बात समझ गए ना मंत्री जी? क्या बात है संतरी, राज्यसभा में क्या संदेश लाए हो? महाराज, मुर्शिदाबाद के नवाब ने यहाँ दूध भेजा है। ठीक है, फिर दूध को हाजिर करो। प्रणाम महाराज, नवाब साहब ने आपके लिए ये संदेश भेजा है। ठीक है दूत, तुम अभी आराम करो, मैं नवाब साहब के प्रस्ताव पर गौर कर रहा हूँ। जी धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। क्या संदेश है महाराज? दरअसल बात ये है कि नवाब साहब पूरे प्रदेश के सभी राजमंत्रियों को निमंत्रण भेज रहे हैं, वहाँ पर वो उनके ज्ञान की परीक्षा लेंगे। सर्वश्रेष्ठ राजमंत्री को पुरस्कार देने के साथ साथ बेवकूफों के लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया है, और ये सब बस एक महीने के अंदर ही होगा। महामंत्री, कहिए महाराज। तुम्हें तो मुर्शिदाबाद जाना ही पड़ेगा, हालांकि अभी भी एक महीने का वक्त बाकी है। वैसे मंत्री, तुमने शिक्षा कहाँ तक ली है? जी वो बुद्धि के बारे में तो आप सभी परिचित हैं, शिक्षा कहें तो रुक क्यों गए, बोलो बोलो, तुम्हारी शिक्षा कहाँ तक हुई है? जी 5वीं कक्षा तक। क्या? पांचवी कक्षा? क्या कह रहे हो, 5वीं कक्षा तक शिक्षा लेकर तुम मेरे महामंत्री बनकर यहाँ पर बैठे हो? ओहो हो हो, जो भी हो, अब सुनो, तुम्हें एक महीने के अंदर सारा ज्ञान प्राप्त करके मुर्शिदाबाद जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। पंडित जी, आदेश कीजिए महाराज। आप आज से मंत्री की शिक्षा की जिम्मेदारी लीजिए और एक महीने के अंदर इन्हें सारा ज्ञान दे दीजिए। आप कर पाएंगे? क्यों नहीं, जरूर करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। ठीक है, तो फिर मंत्री, तुम आज से ही अपनी शिक्षा का प्रारंभ कर दो, समझे? इस उम्र में पढ़ाई लिखाई, वो भी पंडित की पाठशाला में, और वो भी बच्चों के साथ बैठकर। क्या बात है मंत्री, फिर क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं महाराज,
अब तो सोचने का मौका ही कहाँ है। कहते हैं इंसान अपने आखिरी दम तक शिक्षा ले सकता है। शिक्षा का कोई अंत नहीं और कोई उम्र भी नहीं। मंत्री, अब भी तुम्हारे पास पूरे एक महीने का वक्त है। तुम्हें किसी भी हाल में शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। आपका आदेश सर आंखों पर महाराज। ठीक है, तो फिर आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अच्छे से बजाओ एक तारा, नचनिया कमला नाचे रे, देखे गाँव ये सारा, हमारी कमला नाचे रे, फंसा ये मंत्री भोला भाला, हमारी कमला नाचे रे। पांचवी पड़ा मंत्री भोला भाला, हमें ये अब सिखाए रे, नचनिया कमला नचनिया कमला नचनिया कमला नाचे रे, मंत्री हमें सिखाए रे। सुनो बच्चों, कल मैंने जो सिखाया था सब अच्छी तरह पढ़कर आए हो? जी पंडित जी। बहुत अच्छे। तुम पाँच का पहाड़ा बताओ। पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच तिया पंद्रह, पाँच चौका। बस बस मंत्री जी, आप बताइए पाँच चौके कितना। बाबा पाँच चौके, पाँच चौके हाँ, पाँच चौके पच्चीस। पाँच चौके पच्चीस, यही कारण है मंत्री जी कि आपकी पांचवी कक्षा अभी तक पार नहीं हुई। वो असल में बात ये है पंडित जी, आंकड़ों के मामले में मैं हमेशा ही कच्चा रहा हूँ, इसलिए। सुनिए सुनिए, एक महीने में अगर आप सब कुछ सीख नहीं पाए तो नवाब साहब के दरबार में महाराज कृष्णचंद्र का मान सम्मान नहीं बचेगा। इसीलिए मंत्री जी, आप इन दिनों में सब कुछ भुलाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, समझे? याद रहेगा? हाँ पंडित जी, मुझे बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। सभी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करो। गमनम गमनम। अरे बजाओ अच्छे से एक तारा, नचनिया कमला नाचे रे, और मंत्री। समझी भगवान, इस उम्र में पढ़ाई क्या अच्छी लगती है? बोलो, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं चलेगा, महाराज का आदेश है। ये अचानक महाराज को ऐसा ख्याल क्यों आया? सभा के सारे पंडित, सभा के कवि और तो और गोपाल भाई साहब को भी जिम्मेदारी ना देकर अंत में आपको ही क्यों चुना? कुछ ना पूछो भगवान, मुर्शिदाबाद के नवाब को अचानक ही सूझा कि वे सब मंत्रियों की परीक्षा लेंगे, इसलिए अब उन बच्चों के साथ मुझे भी। ची 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 ची, अपमान की हद हो गई। अब और क्या कर सकते हैं, मंत्री पद को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ तो आपको उठानी ही पड़ेगी ना। सुनिए, आप गोपाल भाई से कहकर। मैंने गोपाल को कितनी बार लंगड़ी मारने की कोशिश की है, वो मेरी सहायता करने की बजाय उल्टा मुझे मुसीबत में डाल देगा। फिर इसका उपाय क्या है? उपाय और क्या है, पढ़ना ही पड़ेगा। बचपन में तो मैंने पढ़ाई की ही नहीं, देखता हूँ इस बुढ़ापे में आखिरी बार कोशिश करके। तो फिर राज्यसभा के पंडित आपकी परीक्षा कब लेंगे? पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद। अरे बाबा, आपकी पढ़ाई कब खत्म होगी? उसके लिए तो थोड़ा वक्त और लगेगा। मैं क्या कह रही थी, गांव के वटवृक्ष के नीचे सुना है कुछ दिनों से एक सिद्ध पुरुष तांत्रिक बाबा आए हैं। पता है वो भूत प्रेत के साथ ही रहते हैं, क्या हम वहाँ जाकर देख के आए? वो भूत प्रेत के तांत्रिक का मैं क्या करूँ? हाँ, पांचवी कक्षा तक पढ़े हो तुम, इसीलिए ऐसी बुद्धि है। अरे बाबा, तांत्रिक बाबा के पैर पकड़कर अपने लिए एक भूत मांग लो।
जो परीक्षा में तुम्हें नकल करने में मदद करेगा। किसी को कुछ नहीं समझेगा और तुम पास भी हो जाओगे। बस बस, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सचमुच प्रिय, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं, मैं जाता हूँ उस तांत्रिक के पास। देखता हूँ एक कोशिश करके। अच्छा, तो अब तुम लोगों की पढ़ाई समाप्त हुई। कल मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा, ठीक है? और मंत्री जी, आप भी तैयार हैं? जी हाँ सभा पंडित जी, मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो आज फिर तुम लोग जाओ, कल सुबह परीक्षा है। परीक्षम परीक्षम। दर्शना जागृत नरमुंड मालिनी विपदा पद परिच्छदा ओम देविकाय नमः। ओम देविकाय नमः। ओम देविकाय नमः। हे, कौन हो तुम बेटा और किस वजह से तुम यहाँ दर्शन के लिए आए हो? बाबा जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूँ। अब तो सिर्फ आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। तुम अपनी अभिलाषा को व्यक्त करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए माता से प्रार्थना करूँगा। मुझे तुरंत एक शिक्षित भूत की तुरंत ही आवश्यकता है। शिक्षित भूत? सुनो बेटा, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, बुरे हो या अच्छे हो, सभी भूत मेरा आदेश मानते हैं। अभी सुनो, मैं एक तांत्रिक बाबा हूँ। तंत्र विद्या से जो कुछ भी मैंने पाया है वो और किसी के भी वश की बात नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एक शिक्षित भूत ही दूंगा, पर बेटा सावधान, मेरे भूत के जरिए तुम कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। तो ये बात है, पर उस मंत्री को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अपना खेल तो मैं सबको दिखा कर रहूंगा। ओम देविकाय नमः। ओम देविकाय नमः। ओम देविकाय नमः। मंत्री पद को टिकाए रखने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है। बाबा, नहीं करूंगा तांत्रिक बाबा जी, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। जल्दी आ जाओ बेटा, इसमें है, इसे अपने पास रखो। इसके अंदर तुम्हारे लिए भूत को वश करके रखा है मैंने, संभाल कर रखना। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा प्रभु। जय माँ, जय माँ। जाओ जाओ बेटा जाओ, तुम्हारी हर अभिलाषा पूरी हो। क्या बात है, कुछ काम बना? अब चिंता की जरूरत नहीं है, परीक्षा में मैं तुरंत जवाब दूंगा, देख लेना। जय बाबा जी, जय बाबा तांत्रिक महाराज, बाबा जी की जय हो। जय माँ दुर्गा, इन पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माँ दुर्गा। चलो चलो, अब सो जाओ तुम, कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो अब शुरू करो, परीक्षा शुरू। शुरू शुरू करो। नौ का पहाड़ा, पांच छह का याद नहीं रहता, और ये तो नौ है। भूत बाबा जी बता दो ना। क्यों याद नहीं मंत्री? वो नौ एकम नौ, नौ दुने अठारह, नौ दशम नब्बे।
मंत्री जी किसी के साथ बातें कर रहे हैं। थोड़ा नजर रखना पड़ेगा इन पर। साकार तो हो सकता है पर निराकार नहीं। अजी शिक्षित भूत कुछ बता दो ना जरा। तुम्हें किसने दिमाग दिया था कौन जाने। गधा है तू गधा। मूर्ख तू तो गोल है। हे, ये सवाल तो बहुत आसान है। वो कहते हैं ना सात कांड रामायण पढ़कर सीता हुई राम की मौसी। मुझे हंसी आ रही है जड़ बुद्धि। ओ अब वक्त आ गया है। देखिए अब मंत्री जी नकल कर रहे हैं। पंडित जी मंत्री जी नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं। क्या बात है मंत्री जी, आप परीक्षा में नकल कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मन ही मन में है ना भूत बाबा जी। अरे ये क्या किया। अरे शैतान मंत्री, तू परीक्षा दे रहा है और मुझसे सवाल का जवाब मांग रहा है। रुक रुक, तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। पंडित पंडित जरा छड़ी देना हो मुझे। छोड़ दो भूत बाबा जी, छोड़ दो मुझे। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्षमा करो मुझे, छोड़ दो। आए बेटा उच्च शिक्षित भूत हूँ मैं, मुझसे तू गलत काम करवा रहा है। रुक बताता हूँ। बाबा जी छोड़ दो। बेटा पहचाना नहीं मुझे? आवाज तो पहचानी सी लग रही है पर जब तक सामने से ना देखूं पहचानूं कैसे। अरे बेवकूफ, मैं तेरा बाप हूँ रे बाप। क्या पिताजी आप यहाँ? कृपा करके एक बार दर्शन तो दीजिए। हाँ अब पहचान रहा है ना, मैंने अपनी जिंदगी में जो काम नहीं किया इस नालायक मंत्री के लिए वो मुझे करना पड़ा। आज से उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जब तक उसे परीक्षा में पास नहीं करवा लेता तब तक उसे मैं मारता ही जाऊंगा। अरे बाप रे मर गया मैं। छोड़ दीजिए, अब कभी नकल नहीं करूंगा। जिंदगी में कभी नकल नहीं करूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, मर जाऊंगा। भागो मंत्री भागो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।